काली भैया, अब तो आपको ज्ञात हो गया है ना कि मेरी शक्तियों में कितनी वृद्धि हुई है। अब आप ये परीक्षा समाप्त कर दीजिए, अन्यथा आप थक जाएंगे। बिना इसकी शक्ति प्राप्त किए इस मरकट को पराजित करना महानतम वाली के लिए भी कठिन है। अच्छा, आप हनुमान की शक्तियों को जानना चाहते हैं? तो इसमें इतना परिश्रम क्यों? मैं अभी दिखा देता हूँ। तेरी शक्तियों का विवरण नहीं, मुझे तेरी आधी शक्ति चाहिए मरकट। नारायण नारायण, वाली कैसे निंदन हनुमान की आधी शक्ति पाना चाहता है? परंतु वो भूल रहा है कि उसको प्राप्त वरदान के अनुसार ये तभी संभव है जब हनुमान शत्रु भाव लेकर वाली के सम्मुख आए। परंतु हनुमान तो उसके प्रति प्रेम से ओतप्रोत है, परंतु वाली ये कदापि समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि को घृणा और क्रोध ने कुंठित कर दिया है। इसलिए वाली हनुमान पर वार करता रहेगा और हनुमान के हृदय में व्याप्त सरल प्रेम उनको वाली के वरदान से सुरक्षित रखेगा। नारायण नारायण। देखा वाली भैया, अब ये देखिए। कहाँ चला गया मरकट? वाली भैया, आप मुझे वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं आपके कान के कुंडल के समीप स्थित हूँ। इतना घटा लिया है मैंने अपनी देह का आकार। हनुमान हट जाओ। अरे अरे वाली भैया, आप क्या कर रहे हैं? वाली भैया, आपको क्या है? मैं अपनी श्वास के प्रवाह से बड़े बड़े पर्वत हिला सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। क्षमा कीजिएगा वाली भैया, मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि। अच्छा, मैं एक और शक्ति का प्रदर्शन करता हूँ। मैं प्रज्वलित अग्नि का रूप ले सकता हूँ। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। मरकट तो अग्नि का रूप भी धारण कर सकता है। सुग्रीव, वाली को सचेत कर उसे कुपथ से सन्मार्ग पर लाने में उसकी और उसके समूचे राज्य की भलाई है। माता अंजना, मुझे तो ये भी भय है कि वाली भैया स्वयं यहाँ ना आ जाए। सुमेरु को अधीन करने का अर्थ है सुमेरु से युद्ध करने का अर्थ है हनुमान और वाली भैया का युद्ध। जो वाली भैया के लिए घातक से हो सकता है। हाँ पुत्र सुग्रीव, इस बात का भय तो मुझे भी है। मैंने मित्र ऋक्षराज को वाली की सुरक्षा का वचन दिया है। वो यहाँ आ गया तो उसकी रक्षा करना कठिन हो जाएगा। किसी प्रकार वाली को सुमेरु और हनुमान से दूर रखना होगा।
देखिएगा वाली भैया। मुझे वाली भैया को समझाने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उससे पूर्व मुझे उन्हें हनुमान के सम्मुख आने से रोकना और भी आवश्यक है। कोकट, मेरे लौटने तक तुम यहीं रुकना और ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किष्किंधा और सुमेरु की शांति भंग हो। जी, अभी कुछ मैं कहूंगा तो महाराज केसरी जी मेरा वध कर देंगे, परंतु उचित समय पर मैं महाराज वाली को अवश्य सूचित करूंगा। राजकुमार सुग्रीव अपने महाराज के प्रति नहीं, महाराज केसरी जी और उनके पुत्र हनुमान के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। वाली भैया, आपने देखा, मैं इन चट्टानों को कितनी भी दूर फेंक सकता हूँ, परंतु ये तो अभी भी छोटी हैं। इनसे भी बड़ी बड़ी चट्टान उठाकर दिखा सकता हूँ, परंतु यहाँ तो कोई भी बड़ी चट्टान नहीं है, अन्यथा आपको उठाकर दिखाता। यह मरकट अपनी शक्ति दिखाकर मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु इसे ज्ञात नहीं है कि मेरे वरदान से इसकी आधी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं इससे कहीं अधिक बलवान हो जाऊंगा। परंतु मुझे ये ज्ञात करना है कि अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। भोले और निष्कपट है हनुमान, बाली के घृणित प्रयोजन का उन्हें लेश मात्र भी अनुमान नहीं है। परंतु माधव, एक बात समझ में नहीं आई कि बाली हनुमान के प्रेम से परिपूर्ण निर्मल पवित्र मन को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। प्रिय, जिस व्यक्ति के हृदय में घृणा और प्रतिशोध के भाव वास करते हैं, उसकी दृष्टि कुछ भी अच्छा नहीं देख पाती। वो अन्य लोगों में भी अपनी प्रति छाया ही देखती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के प्रति सुविचार रखने वालों को भी अपमानित और तिरस्कृत करते हैं। यदि वाली हनुमान के प्रति शत्रु भाव त्याग दे तो हनुमान उसको आदि क्या अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित कर दे। परंतु वाली ये बात समझ नहीं पा रहा है। सत्य है, घृणा से वशीभूत होकर व्यक्ति धर्म अधर्म, अपना पराया और यहां तक कि अपने हित अहित के विषय में भी कुछ समझ नहीं पाता, जिसका परिणाम सदैव उस व्यक्ति का विनाश ही होता है। वाली भैया, प्रतीत होता है आप मेरी और परीक्षा लेना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि मेरी भुजाओं में कितनी शक्ति है, ये जानना चाहते हैं ना आप। क्यों वाली भैया, अब तो आप जान गए ना कि मेरी भुजाओं की शक्ति में कितनी वृद्धि हुई है। आनंद आ रहा है ना वाली भैया। वाली भैया संभल के। वाली भैया, अब तो आप संतुष्ट है ना कि आपकी अनुपस्थिति में हनुमान ने समय व्यर्थ नहीं किया। अब तो मेरी परीक्षा पूर्ण हुई ना, तो हनुमान को अपने गले से तो लगा लीजिए। हाँ।
गले लगाइए ना वाली भैया। वाली भैया और कितनी परीक्षा लेंगे मेरी? वाली भैया, हनुमान को तो ज्ञात है कि आप परम शक्तिशाली हैं। यदि हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो हम सारे असुरों का विनाश करके हरि भक्तों की सेवा करेंगे। मेरी मित्रता स्वीकार कर लीजिए। हम दोनों मिलकर उस वानर बालक को परास्त कर सकते हैं। हरि भक्तों के बल के साथ हम दोनों सर्वशक्तिशाली बन सकते हैं। प्रतीत होता है कि आप मेरे युद्ध कौशल की परीक्षा ले रहे हैं, है ना वाली भैया? भैया को क्या हो गया है? मेरा प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, मुझे अपने गले से नहीं लगाया, बस निरंतर भांति भांति की परीक्षा ही लिए चले जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार? वाली भैया, अरे वाली भैया, नीचे उतारिए मुझे वाली भैया। वाली भैया, ये आप क्या कर रहे हैं वाली भैया? मरकट को तो शिलाओं के नीचे होना चाहिए था, ये यहां कैसे आ गया? कायरों के भांति छुपो नहीं, सामना करो मुझ महानतम वाली का। परीक्षा लेते लेते कहाँ चले गए वाली भैया? वाली भैया, हनुमान, वाली भैया किसका पीछा कर रहे हैं? हनुमान, हनुमान कहाँ हो? ये तो बड़ी तीव्र गति से मेरे पीछे आ रहे हैं। इन्हें यहाँ पहुंचकर मुझे पकड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे इन्हें भ्रमित करने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ,
हनुमान, यदि साहस है तो सामने आओ मेरे। वीरों की भांति युद्ध करो मुझसे। बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर? तो आओ, मुझ महानतम वाली पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। कायरों की भांति छुपो नहीं, मेरे सामने आकर युद्ध करो मुझसे। बड़ी घुमावदार है, इसमें तो कोई भी खो सकता है। यदि इसमें वाली भैया थोड़ी देर के लिए भी घूम जाए तो मुझे हनुमान को उनके सम्मुख आने से रोकने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान, हनुमान बाहर निकलो, हनुमान, हनुमान कहाँ छुप कर बैठे हो? अवश्य वे दोनों इसी गुफा के भीतर गए होंगे। हनुमान, अरे सुग्रीव भैया अभी यहाँ है, कहीं आप दोनों मिलकर हनुमान से क्रीड़ा तो नहीं कर रहे? हनुमान कहाँ छुप कर बैठे हो? नहीं हनुमान, ये कोई क्रीड़ा नहीं है, अब तो ये गंभीर बात है। पहले हमें वाली भैया की दृष्टि से बचकर कहीं छुपना होगा, फिर मैं तुम्हें सब कुछ गंभीरता से बताऊंगा। आ जाओ। क्या हुआ सुग्रीव भैया, आप मुझे वाली भैया से क्यों छुपा रहे हैं? उन्हें भी आप बुला लीजिए ना। हनुमान, वाली भैया में बहुत ही परिवर्तन आ चुका है, हमें उनसे छुपना आवश्यक है। हनुमान, वाली भैया पुकार रहे हैं, उस गुफा के भीतर अवश्य वो किसी संकट में होंगे। नहीं नहीं हनुमान, तुम उनके पास नहीं जा सकते। वाली भैया संकट में नहीं है, बल्कि वाली भैया हमारे लिए संकट है। ये आप क्या कह रहे हैं सुग्रीव भैया? मेरा विश्वास करो हनुमान, जब से वाली भैया तप पूर्ण करके लौटे हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। मुझे इस घुमावदार गुफा में भटका कर ये मत सोचो कि तुमने बहुत चतुराई का काम किया है। कभी न कभी तो तुम्हें मेरे सामने आना ही होगा। तू अभी आओ मेरे सामने। मैं तुम्हें वाली भैया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, परंतु यहाँ नहीं, सुमेरु चलकर, वहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। क्या सुमेरु में मेरी आवश्यकता है? वहाँ सब सकुशल तो है ना? इतना अधिक मैं बताने के लिए समय नहीं है हनुमान, बस इतना समझ लो कि तुम्हें वाली भैया से कदापि नहीं मिलना है और अति शीघ्र सुमेरु पहुँचना है। परंतु हनुमान, मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ, विश्वास करो मेरा हनुमान, और शीघ्र सुमेरु के लिए प्रस्थान करो। हनुमान, 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 इसके पूर्व वाली भैया यहाँ आए, तुम शीघ्र ही सुमेरु पहुँच जाओ हनुमान। जी सुग्रीव भैया। वाली भैया में ऐसा क्या परिवर्तन आ गया है? और सुग्रीव भैया मुझे बार बार शीघ्र सुमेरु पहुँचने के लिए क्यों कह रहे थे? कुछ तो गंभीर बात अवश्य ही है।